बिहार के सीएम नीतीश कुमार शिक्षा व्यवस्था सुधारने की बात कहते हैं, लेकिन आए दिन ऐसी खबरें आती हैं जिससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लग जाता है। मौजूदा वाकया मोतिहारी से सामने आया है, जहां के शिक्षक मामूली ट्रांसलेशन नहीं कर सके। दरअसल बिहार के मोतिहारी में SDO कुमार रविंद्र स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान पकड़ी दयाल स्कूल में SDO ने हेडमास्टर से मैं विद्यालय जाता हूँ का अंग्रेजी और संस्कृत में अनुवाद पूछ दिया, लेकिन हेडमास्टर साहब ट्रांसलेशन नहीं कर सके। बड़ी बात यह रही कि हेडमास्टर साहब खुद स्कूल में संस्कृत और अंग्रेजी पढ़ाते हैं। दूसरी तरफ एक टीचर मौसम और जलवायु का अंतर नहीं बता सका। SDO ने उनसे मौसम और जलवायु के बारे में पूछा, लेकिन वो न तो मौसम के बारे में बता सके और ना ही जलवायु का मतलब समझा सके। इससे नाराज होकर SDO ने शिक्षकों को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने हेडमास्टर और शिक्षकों को कोचिंग करने की सलाह भी दे डाली, ताकि बच्चों का भविष्य अंधकार में ना जाए। उन्होंने खुद बच्चों को मौसम और जलवायु के अंतर के बारे में बताया। इसके साथ ही हेडमास्टर को अंग्रेजी और संस्कृत के अनुवाद के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। बताते चलें कि बिहार में यह पहला मौका नहीं है जब शिक्षकों की पोल खुली है। नए वीडियो ने सीएम नीतीश कुमार के शिक्षित बिहार पर सवाल जरूर उठा दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।